नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट है कि दोस्त सर मेरा 50 नंबर आ रहा है, क्या बना रहा है, 52 आ रहा है, 55 आ रहा है, क्या CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्या होगा कि नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे जो जूनियर्स हैं वो पूछ रहे हैं, तो मैं एक कॉमन वीडियो इस पर बना रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, आपने अपना काम तो कर दिया है, ठीक है। जो आपका एग्ज़ाम था CBT 1, इसमें आप एग्ज़ाम दे आए हैं। इसके बाद आपका आंसर की में मान लीजिए 50 से 55 नंबर आ रहा है, तो जो भी आ रहा है अब वो चेंज नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो आंसर की आया है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इग्नोर किया गया है। कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत था तो उसका जो नंबर है वो सबके लिए इफेक्टिव होगा, हो सकता है कुछ कम नंबर पर आपकी मेरिट बने। और दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि ये आपका CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग था और इसमें आपके 15 times स्टूडेंट लिए जाएंगे। 15 times मतलब ज़्यादा होता है, अगर 12,000 वैकेंसी थी तो 12 × 15 आप करिए तो ये आ जाएगा 180,000 स्टूडेंट टोटल सेलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें 180,000 बच्चे कम नहीं होते हैं। और ऊपर से आप जान लीजिए कि जितने 50% जो बच्चे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो सीरियस होके एग्ज़ाम नहीं देते, बस फॉर्म आया उसके बाद जैसे ही एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि उनका जो नंबर होता है काफ़ी गलत हो जाता है, काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाता है और वो लोग का जो मेरिट है, मेरिट में वो लोग नहीं आ पाते, बहुत पीछे रह जाते हैं। मेरिट क्या, कंपटीशन में ही फाइट नहीं कर पाते, तो जो 50% बच्चे हैं उन्हीं से आपकी फ़ाइट होती है किसी भी एग्ज़ाम में। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 50 से भी कम रहता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 50। इसमें बच्चे बैठे हैं डिप्लोमा वाले भी, बीटेक वाले भी, ठीक है, डिप्लोमा वाले भी बैठे हैं, बीटेक वाले भी बैठे हैं, तो सब लोग टेक्निकल, जितने फ्रेशर बच्चे होंगे ज़्यादातर टेक्निकल की तैयारी किए हैं। और टेक्निकल में आप जानते हैं कि, और ये जो CBT 1 था ये नॉन टेक का पोर्शन था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और GA आया था, जो कि टेक्निकल बच्चों का माना जाता है कि वीक सेक्शन होता है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो हम मान लेते हैं कि स्ट्रांग होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो लोग इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन किए होंगे, उसमें गलत हुआ होगा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन। अगर 20 क्वेश्चन गलत होता है तो दोस्तों 20 क्वेश्चन गलत होता है तो 7 नंबर माइनस हो जाएगा जितना भी उनका सही स्कोर होगा। दूसरी चीज़ ये बता दूं आपको कि जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी आपके रामास पे नहीं बनेगी। इसके बाद कितने क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं, किसका क्वेश्चन सही किया गया है, आपका प्रो रेटेड मार्क आएगा, प्रो रेटेड, ठीक है, 100 में कितना बन रहा है या 98 नंबर पर। प्रो रेटेड मतलब होता है कि मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपका इग्नोर कर दिया गया तो 98 में आपकी मेरिट बनेगी, 98 में आपका रॉ मार्क्स बनेगा। रॉ मार्क्स के बाद पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल, उसमें बच्चे कितना स्कोर किए थे, कैसे स्कोर किए थे, कितनी एक्यूरेसी थी, कितनी नहीं थी, इस पे डिपेंड करेगा। और इसके बाद आपको एक नॉर्मलाइजेशन नंबर दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नंबर होगा वही आपका फाइनल मेरिट बनेगी, उसी वही डिसाइड करेगा कि आप CBT 1 के लिए क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। मान लीजिए कि आपका 50 नंबर है और आपका पेपर टफ था और फाइनली आप CBT 1 में आपका नाम आ गया, CBT 1 का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके 40 से 50 दिन में आपका CBT 2 का पेपर होगा। ये समझ लीजिए कि 2 से 3 दिन में ये पेपर हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बीच में भले ही ग्रुप डी का NTPC का एग्ज़ाम चले, बीच में ये लोग करा लेंगे। तो 40 से 50 दिन में आपको टेक्निकल 100 नंबर की तैयारी करनी है और नॉन टेक्निकल 50 नंबर की तैयारी करनी है। तो टेक्निकल में सब लोग इक्वली स्ट्रांग होते हैं, थोड़ा सा 19 या 20, क्योंकि सब लोग 3 साल डिप्लोमा में, 4 साल बीटेक में पढ़े रहते हैं। लेकिन जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है दोस्तों, नॉन टेक्निकल का सिलेबस कवर करता है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री चलिए एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे, साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कवर कर लेंगे, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये जो है आपका 35 मार्क्स ये है और 15 नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री है, यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। और नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो CBT 2 क्वालिफाई करेगा, ना कि CBT 1।
आप ये मत सोचिएगा कि आप CVT 1 में 70 नंबर ला लेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर लड़का मान लीजिए मेरिट गई है 56 और 56 पे ही वो क्वालिफाइड है और आप 70 पे क्वालिफाइड है, तब भी CVT 2 के लिए जितना आप एलिजिबल है उतना ही वो एलिजिबल है। बस कॉन्फिडेंस का अंतर रहता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। मैं आपको बता दूँ 50 नंबर जब तक रिजल्ट आता है आप लोग क्या करिए, जो रेलवे का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है आप लोगों ने देखा होगा, इसके चाहे करंट के क्वेश्चन हो चाहे GA क्वेश्चन हो, ईजी नहीं होते। ये नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आप कर लेंगे, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। तो अभी आप टाइम को लॉस मत करिए और इसमें क्या करिए कि 50 नंबर को आप सिक्योर करिए। 50 नंबर में फिजिक्स केमिस्ट्री अभी रहने दीजिए, पहले पढ़िए इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, कंप्यूटर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके कुछ वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर्स में बनाए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आते रहते हैं उसका मैंने वीडियो बनाया है, कुछ लेक्चर के भी है, कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस के लिए ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आता है आपका, 15 नंबर में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, सिलेबस दिया है आपको। करंट अफेयर्स में भी ज़्यादातर आप स्पोर्ट्स को फोकस करिएगा, स्पोर्ट्स को, ठीक है। और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये सारे चीज़ें पढ़ लीजिए। दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पढ़ाई से संन्यास ले लेंगे और ये जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन आप लोग पढ़ रहे हैं ये कभी काम नहीं आएगा। इसके बाद अभी देखिए आज SSC JEE का भी नोटिफिकेशन आ गया, ये उसमें भी काम आएगा। आप लोग स्टेट JEE देंगे उसमें भी काम आएगा, या किसी अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बिना जनरल अवेयरनेस के या बिना GK के आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे हमको बता दीजिए कि जिसमें GK ना आता हो, और यही फैक्टर आपको लीड कराता है और बच्चों से कंपटीशन में, तो इसको तैयार कर लीजिए। और ये दोस्तों सोचना बिल्कुल मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये मान के चलिए कि मेरा जो टफ शिफ्ट था नॉर्मलाइजेशन होगा और फाइनली मैं सेलेक्ट होऊंगा। CVT 1 में उतना फाइट नहीं है, आप लोग YouTube पे देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग दूसरे का ही वीडियो देख देख के बना दे रहे हैं कि मेरिट 60 जाएगी, 65 जाएगी, 55 जाएगी, ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देते ही नहीं है, एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है, बस YouTube पे बैठे रहते हैं, वीडियो बनाते हैं और 2-4 लड़कों से पूछ लिया या किसी का दूसरे का वीडियो देख लिया और फाइनली मेरिट बना दी। उसको भी बच्चे देखते हैं, डिमोरलाइज होते हैं, तो आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक मोटिवेशनल शायरी है, मेरी हर राह को मैं मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है ये मंजिल को दिखा दूंगा। तो दोस्तों आपको के पास जब तक जूझने की प्रवृत्ति नहीं होगी आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप जूझिए, जैसे आपने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा होगा बेन स्टोक्स को, चाहता तो हथियार पहले ही डाल देता लेकिन वो लास्ट तक जूझा और मैच जीता, क्योंकि जो मेहनत करता है किस्मत भी उसी के साथ होती है। देखिए जो 4 रन उसके बल्ले से निकला वही लक फैक्टर हुआ, और लक फैक्टर उसके लिए क्यों आया, क्योंकि वो जूझ रहा था, मेहनत कर रहा था और अकेले दम टीम को वहाँ तक ले गया। तो दोस्तों मेहनत जो भाग्य है वो भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है, लगातार लगे रहता है। आप ये सोचिए कि इसका वीडियो देखे, उसका वीडियो देखे, मेरा सिलेक्शन हो जाए, इनसे पूछे, उनसे पूछे, तो फाइनली नहीं होगा। ना हम आपका सिलेक्शन कराएंगे, ना कोई और कराएगा, आपने जो किया है वही होगा। बाकी चीज़ें लक पे छोड़िए, आपकी किस्मत पे, कि जो फाइनली नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपका नंबर आएगा, उसका नाम आएगा। ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो CVT 2 के लिए कमर कस लीजिए कि जैसे ही आपका नाम आए आप 50 नंबर इधर सिक्योर किए रहेंगे, तो सिर्फ आपको टेक्निकल पढ़ना रहेगा। और जो बच्चे रिजल्ट आने के बाद दोनों शुरू करेंगे उनसे मान के चलिए कि 50 नंबर आप लोग आगे रहेंगे, और 1 नंबर भी कट ऑफ से अगर आप रहते हैं आगे तो आपका सिलेक्शन होता है। कोई बच्चे 1 नंबर भी कम पीछे रहता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो सिलेक्शन जो होता है पूरी तरह रेस है, जो आगे रहता है उसी को मिलता है, जो 1 नंबर थोड़े से भी पीछे रहता है उसको नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रयास करने में आप लोग बिल्कुल पीछे मत रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, खुद को मोटिवेट करिए और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में सोचिए और ये मान के चलिए कि हमारा सिलेक्शन होगा। दोस्तों
सिलेबस को एक बार एनालाइज करिए और नॉन टेक पोर्शन रिजल्ट आने तक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। रेलवे जेई का 2012-14-15 का आप उठा के पेपर देख लीजिएगा, कंप्यूटर का या इन्वायरमेंट का कितने टफ क्वेश्चन आते हैं, या आपने देखा होगा कि जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा गया था CBT 1 में या RRB NTPC में, उसका लेवल क्या रहता है। तो इतनी ईजिली होने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए पढ़ के आप 4 भी क्वेश्चन और बच्चों से ज़्यादा कर रहे हैं तो 4 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी होता है, 1 नंबर काफ़ी होता है, यहाँ तो 4 नंबर आप लोग आ गए हैं। तो दोस्तों मेरी आपकी यही सलाह है कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाला छोड़ देता है। तो आप लोग बिल्कुल प्रयास करिए और मैं ये मान के चलता हूँ कि 50 से 55 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो नॉन टेक पोर्शन बिल्कुल तैयार कर लीजिए और बिल्कुल डिमोरलाइज मत होइए, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो देखिए, खुद को मोटिवेट रखिए और रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप डिमोरलाइज होंगे। और ज़्यादा यूट्यूब वीडियो मत देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फेक वीडियो हैं, किसी को पता ही नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना तो पेपर का लेवल पता है ना एग्ज़ाम दिए हैं, बस वीडियो बनाते रहते हैं, उनका वीडियो बना लें व्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। दोस्तों ऑल द बेस्ट। दोस्तों अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और इसको शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों किसी भी सेक्शन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।